निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचेरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। देश में आर्थिक मंदी का दौर है। राजस्थान के अंदर सरकार में परिवर्तन हो गया और उस परिवर्तन के साथ राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर शिकंजा कसने के लिए नए कानून को विधानसभा में रखा। साथ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम कई सोसाइटियों के ऊपर निगाहें रखी हुई हैं कि निवेशकों का पैसा लेकर कोई राजस्थान से बाहर फरार ना हो जाए। लेकिन अजमेर के खाइलैंड बाजार के सामने एक दफ्तर है रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। ऐसा बताया जा रहा है कि रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले एक महीने से बंद है। ये दफ्तर एक महीने से बंद है। दिवाली से जो रूबी के अंदर जो निवेशक थे उन्हें ये बताया गया कि दिवाली बाद उनका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन एक महीने से दफ्तर बंद है। और अब जो निवेशक है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की पूंजी तक को इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था वो अब अपनी पूंजी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का पैसा रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर निवेश किया था। उनसे जान लेते हैं कब से उनको पैसा नहीं मिला है, कितना पैसा उन्होंने यहाँ निवेश किया है और अब क्या उम्मीद है। बाबू जी आपका नाम बताइए, कितना पैसा इसमें आपने निवेश किया? राम अवतार शर्मा का कम से कम मतलब 19-20 लाख रुपया मेरा जमा है और अगस्त से मेरी मतलब FD वगैरह मतलब मैच्योर हो चुकी। हमें बार बार मतलब ये कहा जा रहा है कि आप जमीन ले लो, कभी क्या करा है कभी क्या करा है। कर्जे मांगने वाले मतलब मेरे घर के पर आए हुए हैं। मतलब मेरा खुद का इतना पैसा नहीं हो कि लोगों का पैसा है ये, और मेरे को ये नौबत आ रही है कि मेरे मकान को मतलब बेच के उनको भुगतान करने जैसी नौबत आ रही है और ये कुत्ता मतलब बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहा है। कितने समय से बंद है ये दफ्तर? ये दफ्तर मतलब दीपावली के बाद से, मतलब दीपावली को मतलब उसने कुछ 10-10 हज़ार रुपये जरूर दिए थे। मैंने कहा अरे यार आ रहा हूँ माता जी आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ आप बताइए। और उनको किसी भी निवेशक को मतलब एक सिंगल पैसा उसके बाद नहीं दिए गए। कभी कह रहा है कि मेरी जमीन बिक गई है, कभी कह रहा है मेरा भाव हो रहा है, मेरा भाव मर गया, मैं खुद मर गया। तो मतलब मर गया तो मतलब हमें क्यों मार रहा है अगला आदमी? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपके पास आता हूँ, कितने रुपए आपने निवेश किए, अब आप लोगों को क्या कह रहे हैं बताइए? वो इनके है जो मेरे हैं। अच्छा जो मैं इनकी मिसेज हूँ। हाँ तो मेरी बेटी भी इलाज के है ना, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उसका इलाज नहीं करा सके हम हैं। मेरे जवाई ने पैसे मांगे कि भाई दे दो मेरे को 2-3 लाख तो इलाज हो जाएगा उसका है। उसकी किडनी में प्रॉब्लम थी और खून की कमी थी, खून के लिए भी पैसे नहीं थे तो वो गुजर गई जयपुर में। मैंने कहा इसको 2 लाख ही दे, मेरे को 2 लाख भी दे दे फिर है ना, दे देना तेरे पास आवे जैसे धीरे धीरे। इसने है ना 25,000 एक दिए है और 7,000 एक दिए, 10,000 एक धनतेरस पर, जिसके बाद कुछ नहीं दिया इसने है। लाखों रुपये में से नहीं 1 लाख भी नहीं दिया इसने हमको है, रोज झांसी दे रहा दूंगा। अच्छा ये लोग यहाँ पर आपको कभी कोई मिला यहाँ पर इनका कोई कर्मचारी या उन्होंने क्या कहा आपको, क्या कहा उन्होंने? पहले तो मिले थे वो कर्मचारी रहते भरत गौरव और एक हिमांशु लोकेश मतलब वीरेंद्र, फिर है ना वो आना बंद कर दिया उन्होंने एक महीने से करीब इन्होंने आना बंद कर दिया सबने क्या। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पुलिस के पास प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते? पास जाते वो बोल रहे हमारे से मतलब पूछ के थोड़ी दिया था आपने पैसा, जिसको दिया उससे लो आप जाके, वो कंप्लेंट नहीं लिखते हमारी और वो कंप्लेंट नहीं ये नहीं मतलब लिखने के कारण ही यहाँ सब आकर के इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, यहाँ किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। राहुल दवे जो है वो फ़ोन उसका फ़ोन चालू है अभी, मनोज का फ़ोन बंद है, वो कभी फ़ोन नहीं उठाता है अभी। ये राहुल जी जो फ़ोन उठाते हैं ये आश्वासन ही देते रहते हैं कि हाँ पैसा आने पर तुम्हारे को दिया जाएगा, मीठी गोली देते हैं वो, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आए, बोला आ जाऊंगा कल आऊंगा, इस तरह से 2 महीने हो गया उनको। आज ये मेरे फादर हैं, इनका ब्रह्मदेव जी भटनागर नाम है, 2.5 लाख रुपए इनका अभी तक फंसा हुआ है। पहले से ये 5-6 साल से इनके मतलब टच में थे, इनको 1 लाख था, 1 लाख का 2 लाख हो गया, 2 लाख से फिर उसको FD करा दो हुआ है। और इनको सिर्फ दिवाली के ऊपर चांदी का सिक्का या कुछ 100-200 रुपये का लालच मतलब दे के इस तरह से रिटायरमेंट के कितने भी आदमी जितने भी गवर्नमेंट मतलब रिटायरमेंट है उन सबको इन्होंने निशाना बनाया। समझदार आदमियों को किसी को नहीं बनाया, ये फादर है मेरे, इनका पैसा उम्र के है। उम्र के जिस पड़ाव पर उन्हें उम्मीद थी कि रिटायरमेंट का जो पैसा होगा वो उनके काम आएगा, लेकिन वो पैसा अब रूबी कोऑपरेटिव जैसे
जो लोग हैं, जो डायरेक्टर्स यहाँ के हैं, वो पैसा लेकर फरार हैं। कोशिश लगातार इन लोगों की जारी है कि कैसे भी करके इनका पैसा इन्हें वापस मिले, जिससे जो उम्र के आखिरी पड़ाव में जब जो पैसे की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति अपने रिटायरमेंट के पैसों से जो की जाती है वो उन्हें मिले और अपना काम सही तरीके से कर पाए। बाबू जी आप बताइए कितने रुपए? हाँ बताइए, है ना, रोज तो किशनगढ़ का किराया लगता है हमारा, मेरे गठिया थायराइड है, मेरे इलाज के लिए भी अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मांगने वालों को चुकाऊं मेरा इलाज कराऊं, है रोज आते परेशान होते हैं। ये माता जी किशनगढ़ सर रोज इस उम्मीद में यहाँ पर आ रही हैं कि कब दफ्तर यहाँ पर खुले और अपने पैसों के लिए मांग कर पाए। पैसे आते हैं रोज। मैं बिल्कुल बाबू जी आप बताइए कितने रुपए का? नहीं मेरे 4 लाख 4.5 लाख के करीब पैसा है और मैंने बच्चों की शादी के लिए करा। अब मैं आता हूँ, बार बार कहता हूँ भाई मेरी बच्चियों की शादी है, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया और अब ये दिसंबर का महीना, आज 2 दिसंबर हो गई, अब मेरे को ससुराल वाले तंग करते हैं। 2 लड़कियों की शादी के लिए मैंने पैसा जमा करा है, अब ये कहते हैं कि अब देंगे देंगे और आश्वासन देते रहते हैं। वीरेंद्र जी भी यही कहते हैं, मनोज जी से फ़ोन उठाओ तो नहीं उठाओ, राहुल जी के जाते हैं तो क्या हाँ साहब देंगे, हमारी ज़मीन बिकेगी जब देंगे, प्लॉट बिक रहा, ये बातें करते हैं, झूठे आश्वासन देते रहते हैं। अब मेरे को बच्चियों की, 2 बच्चियों की लड़कियों की शादी करनी है, मैं इतना मजबूर हूँ, मैं शुगर पेशेंट अलग हूँ, चलने फिरने में असमर्थ होता हूँ, क्या करूँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, इस लायक नहीं है, ये वजह है मेरी। अच्छा बाबू जी एक बात बताइए, अब प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है? रोज आप लोग यहाँ तो आ रहे हैं लेकिन ये दफ्तर तो बंद आपको मिल रहा है, प्रशासन से क्या मांग है कि हमें मतलब किसी तरह से पैसा दिलाए, उसकी प्रॉपर्टी बेच के 9 करोड़ का मतलब है, हमको इसको अंतर करने से कोई फायदा नहीं, हमको पैसा दे रहा तो हमारा क्या ये मांग। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसे जो लोग हैं जो पैसा लेकर आप लोगों को जवाब नहीं देते, निवेशक फ्रॉड कर रहे हैं एक तरीके से सोसाइटी में, और इन लोगों को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कैसे ये सुधरेंगे? नहीं कानूनी कार्रवाई करो इस पर, लेकिन है ना ये तो खुद कह रहा है कि मेरे को जेल भेज दो, मैं जाने को तैयार हूँ, ये जमानत पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, हमको इसको जेल नहीं करानी, पैसा चाहिए हमको कि हमारा पैसा दे दे, है ना, सरकार ये जोर डाले इस पर कि तेरी प्रॉपर्टी बेच के इनके पैसे चुका, बस हम ये चाहते हैं। ऐसा है कि इसकी मिसेज कर रही कि मैंने 9 करोड़ रुपये का जो मतलब कोठी बनाई है, बंगला बनवाया, वो 9 करोड़ रुपये पैसा कहाँ से आया उसका हिसाब पूछा जाए, और यार बोल पाता था उसका हिसाब पूछा जाए, जुम्मे इसकी सर्विस को 2 साल भी नहीं हुए, सरकारी नौकरी पर है वो। हाँ क्या नाम है उनका? यहाँ सीओ की पोस्ट पे थी ये पहले, और वो कह रही है मेरे का कोई लेना देना नहीं है, जो घपला हुआ है सोसाइटी जानी है, आप जानी है, तो मिली भक्ति तो उसकी भी है, और ये कह रही कि मैंने 9 करोड़ रुपये का जो उसकी वैल्यूएशन है मकान की, वो मतलब 2 साल के प्रोवेशन पीरियड में बैंक ने कहाँ से फाइनेंस कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारा ही पैसा है वो, और मतलब ये बेवकूफ़ बना रही है, और ये 420 की धारा में एक आप जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसको आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी पर है, उसका संबंध इस सोसाइटी से क्या है? क्या वो डायरेक्टर यहाँ पर थी? हाँ पूर्व में ये सीईओ की पोस्ट पे थी। अच्छा। मुख्य कार्यकारी परिषद और मतलब लोगों को जो 16 नंबर जो फार्म दिए गए थे उनके पर इनके हस्ताक्षर हैं, ये उसको मना नहीं कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई तो ये 420 का केस बनाया जाए, इसको नौकरी से बर्खास्त कराया जाए। तो ये निवेशक हैं जिन्हें उम्मीद है कि रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बंद है पिछले 1 महीने से, उसके ऊपर अजमेर का प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करे और निवेशकों का जो पैसा है उसे दिलाने में मदद करे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।